hello everyone good morning welcome to my online class students yesterday we discussed about muhammad bin tughlaq in tughlaq dynasty today we will come to know another prominent ruler of tughlaq dynasty that is firoz Saad tughlaq muhammad bin tughlaq was succeeded by his cousin firoz tughlaq वॉज नॉमिनेटेड बाई द उलेमा एंड नॉवेल्स मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कजन फिरोजा तुगलक वो सुल्तान बनता है और उसेनेट करते हैं ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट रूलर हिज पॉलिसीज और वेरी मॉडरेट बट समॉर unjust, just examples. punishment became less severe. all loans granted by the earlier rulers were written off. he introduced the a tax on non-muslims for giving them state protection. pirosa tughlaq did not strengthen the army. Usne army pe utna dhyan however, he did a lot of welfare activities for his people, such as लेकिन फिर भी उसने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए जिसमें से कुछ है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स एंड बॉयलीज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द पुअर वॉज इस्टेब्लिस्ड ही बिल्ट वेरियस एंड रदरसाज सेटिंग अप वर्कशॉप फॉर हैंडी द रीन ऑफ फिरोजा तुगलक वॉज अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ही इस्टेब्लिश्ड मैनी टाउन सच एज़ हिसार फिरोजाबाद एंड फिरोजपुर उसने बहुत सारे शहर स्टैब्लिश किए जिसमें से कुछ हैं हिसार जो कि हरियाणा में है फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में है एंड फिरोज़पुर इसके अलावा जौनपुर जो आपके जिस्टिक, डिस्टिक के जस्ट बगल में है तो ये शहर भी फिरोज़ा तुगलक ने ही बसाया अपने भाई जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में फिरोसा तुगलक डाइड इन एडी 1388. आफ्टर हिज डेथ, द तुगलक डायनास्टी कुड़ नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग फिरोसा तुगलक के बाद तुगलक डायनास्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिके रह सकी डिंग द रीन ऑफ नज़रुद्दीन मोहम्मद तुगलक एट द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनास्टी. नज़रुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक डाइनासिटी का लास्ट रूलर था तो उसके टाइम में तैमूर जो कि एक तुर्क रूलर हो रहता है वो इंडिया पे आक्रमण करता है और सारे शहर को ध्वस्त कर देता है तैमूर द तुर्क रूलर ऑफ समरकंदिया इन थर्टीन नाइन्टी एट इन थर्टीन अ फाइनल ब्लो वॉज गिवेन टू द तुगलक एम्पायर और इस तरह 1398 में तुगलक एम्पायर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है नेक्स्ट इज सैद डायनास्टी सैयद डायनास्टी रूल्ड इन इंडिया फ्रॉम फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन टू फोर्टीन फिफ्टी वन ईयर्स आफ्टर तैमूर लेफ्ट इंडिया हिज डेप्टी खिजर खान कैप्चर दिश द सैयद डायनास्टी तैमूर खान के जाने के बाद उसका असिस्टेंट खिजर खान वो यहां सैयद डायनासिटी स्टैब्लिश करता है ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिनिटी द प्रोमिनेट रूलर्स ऑफ सैयद डायनासिटी वर खिजर खान मुबारक शाह मोहम्मद शाह एंड आलम शाह मुबारक शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेप्यू मोहम्मद शाह वॉज वी कैन इन कॉम्पिटिटेट अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवोर्ट

बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटेंट नहीं रहता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहता है और एक के बाद एक सब ध्वस्त होते जाते हैं और इस तरह से इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है सो टुमारो वी विल री अंडरस्टैंड अनदर न्यू डायनेस्टी दैट इज लोधी डायनेस्टी। टिल देन बाय बाय